इधर देखो, क्या नाम है आपका? Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. उर्स के दौरान मादक पदार्थों का अवैध धंधे के संबंध में सूचनाएं मिलती रहती हैं. इसके संबंध में श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और चीओ साहब दरगाह के द्वारा स्पेस निर्देशन दिए गए थे. उन निर्देशों की पालना में थाने से टीम गठित की गई थी. आज टीम को मुख्य से सूचना मिली कि मुंबई का एक लड़का अली अहमद है, जो उर्स के मेले में मादक पदार्थ गांजा बेच रहा है, जिस पर सूचना पर उसको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है और 1200 रुपये गांजा बिक्री की रकम जब्त की गई है और उसको गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया. सर, ये किस तरह से बिक्री करता था गांजे? ये गांजे की पुड़ियाँ बना के और पुड़ियाँ बेच रहा था. हाँ, तो लेके आया था ये ट्रेन में लेने के आने के बता रहा कि ट्रेन में कोई मिला था, जिसके संबंध में अभी भी गहनता से पूछताछ की जा रही है. कहाँ से गिरफ्तार किया? इसको इसके जैन पारनाल से, जैन पारा लाखन कोटड़ी. सही है, हर उर्स में ये लोग आते हैं, इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, ठोस कार्रवाई की कड़ी में तो इसको पकड़ा गया है और आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हमने 2-3 दिन स्निपर डॉग है जो मादक पदार्थों को पकड़ने के संबंध उसको भी हमने घुमाया है और वो हमारा कार्रवाई वो भी जारी है और नियंत्रण जारी भी रहेगी. सर, उसमें कहा जाता है काफ़ी मात्रा में आता है मादक पदार्थ, सर उस पर आपकी क्या कार्रवाई? उसी जो आप बता रहे हैं उसी की कड़ी में कार्रवाई की गई और उसी कड़ी में स्निपर डॉग को भी हमने घुमा रहे हैं और दूसरे हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे भी प्रयास कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ अलग से ना कोई ऐसे अभियान भी चलाए जाएंगे नशे मुक्ति के? जी हाँ, अभी उर्स के दौरान हमने, मैंने जैसे आपको बताया कि स्निपर डॉग के जो जहाँ जहाँ ये संभावना है कि लोग इसका यूज करते हैं या बिक्री हो सकती है वहाँ घुमाया जा रहा है. वह जाप्ता भी जो हमारा स्पेशल में काफ़ी बड़ी संख्या में जाप्ता लगाया गया है, उसको भी स्पेशल निर्देश दिए गए, टीमें भी गठित कर रखी हैं. अगर छोटी मोटी भी इस तरह की सूचना मिलती है तो तुरंत प्रवासी कार्रवाई कर रहे हैं.